आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर जनपद अम्बेडकर नगर से। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सभी श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ किया कार्तिक मास में पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। सभी श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की लगाई डुबकी, लिया आशीर्वाद। एसपी अंबेडकर नगर अजीत कुमार सिन्हा, एसडीएम आलापुर सौरभ शुक्ला, मैफोर सहित विभिन्न घाटों का निरंतर ले रहे हैं जायजा। आलापुर क्षेत्र के अंतर्गत चहोड़ा घाट, बिलहर घाट, रामबाग नदी, चांदीपुर, कमरिया घाटों पर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद। शासन के निर्देश पर एसडीएम आलापुर सौरभ शुक्ला ने विभिन्न घाटों पर मोबाइल टॉयलेट, नाव एवं श्रद्धालुओं के सुविधा के अनुसार की गई बेहतरीन व्यवस्था। एसडीएम आलापुर निरीक्षण के दौरान प्राचीन रावबाग नदी पर पहुंचकर किया भगवान शिव ओम समाधि बाबा जी का दर्शन, लिया आशीर्वाद। एसपी अंबेडकर नगर अजीत कुमार सिन्हा, मैफोर सहित विभिन्न घाटों का निरंतर लिए जायजा एवं श्रद्धालुओं से भी जाना उनका हाल। प्रशासन के कार्यों को देखकर मौजूद श्रद्धालुओं ने की जमकर प्रशंसा। वहीं प्राचीन रामबाग नदी पर स्थित रायपुर निवासी गोपाल सिंह एवं दिनकर सिंह के जी के द्वारा निःशुल्क चाय का वितरण किया गया बड़े पैमाने पर एवं 1100 दीपों का दीपोत्सव कर गंगा मैया की आरती उतारी गई। एक चीज की सुविधा थोड़ा सा कमियां दिखी, वहां पर कुछ स्वास्थ्य संबंधित चीजों को भी मुहैया कराना चाहिए था प्रशासन को कहीं ना कहीं से, क्योंकि लंबी भीड़ थी। प्रशासन को कहीं ना कहीं देखना चाहिए, सोचना चाहिए था कि कोई आकस्मिक समस्या हो जाने पर अस्पताल लगभग नदी से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। बाकी चीजें सकारात्मक रहीं। देखें रिपोर्ट के साथ जनपद अंबेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। भारत अंबेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का विभिन्न घाटों पर लगा है जामवाड़ा। हम बात करते हैं जनपद अंबेडकर नगर जिले के वर्तमान में पुलिस अधीक्षक हमारे बीच में अजीत कुमार सिन्हा जी हैं। विभिन्न घाटों का आस्था निरीक्षण निरंतर आपका चल रहा है, आइए हम जानेंगे कुछ इनसे क्या माहौल चल रहा है इस समय। सर चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। इस समय कार्तिक पूर्णिमा चल रही है, भीड़ काफी तेजी से है, श्रद्धालु आस पास ही नहीं अपितु अदर डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आ रहे हैं। आपने विभिन्न जगह का दौरा भी किया है सर, क्या अब तक परिणाम रहा है? नहीं, परिणाम एकदम शांतिपूर्वक लोग श्रद्धापूर्वक स्नान कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से स्नान करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहीं कोई व्यवधान नहीं है, हर जगह सकुशल संपन्न हो रहा है। अब तो भीड़ काफ़ी कम हो गई है और सुबह 5 बजे जब मैं निकला था तो काफ़ी भीड़ थी, अब काफ़ी कम। कुछ घाटों पर सर बैरिकेटिंग कर दी गई थी फोर व्हीलर के लिए, जैसे बिलहर घाट पे भी हुआ, चौहड़ा पे देखा गया, जहांगीर में भी है। हाँ, कुछ जगहों में बैरिकेडिंग की गई थी कि वहाँ पे नो व्हीकल जोन रहे, लोग पैदल जाएँ, क्योंकि वहाँ भीड़ का आकलन पहले से ज़्यादा है। यहाँ अपेक्षाकृत कम आकलन था भीड़ का और जो लोग आते हैं वो पहले की रात आके रुक जाते हैं। और बाकी जगहों पे स्थिति ये है कि वहाँ पे लोग आते हैं व्हीकल से, तो उनके व्हीकल के लिए नो व्हीकल जोन मेला क्षेत्र को बनाया गया। सर एक चीज़ और, पिछली बार की अपेक्षा इस बार भी श्रद्धालु बढ़ चढ़ के काफ़ी हिस्सा लिए हैं और इस तरीके से देखा जाए कि पुलिस के लिए चुनौती भी रही। सर पुलिस लोग श्रद्धालु ज़्यादा आ रहे हैं, लूट खसोट जो हो रही थी वो नहीं हो रही है, ज़्यादातर पुलिस कवर कर रही है एरिया को, इसलिए लोगों का की संख्या बढ़ रही है और श्रद्धा भी बढ़ा है लोगों की। लेकिन लोग आने में हेजिटेट करते हैं कि यार वहाँ चलेंगे तमाम तरीके की समस्याएं होंगी, लेकिन जो समस्याएं इजी हो गई वर्तमान सरकार ने इस तरीके की व्यवस्थाएँ दी तो लोग खुद से चले आ रहे हैं। सर आप जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं और आपके अंदर काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी हैं, आप चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बता दें कि शांति व्यवस्था किस प्रकार से आम जनमानस में रहे। आम जनमानस में हमने हर तरीके से, ये पूरा खैर मेला क्षेत्र तो हमारा सेक्टरों में बटा हुआ है, सेक्टर वाइज ड्यूटी लगी हुई है, इस घाट पे भी हमारे सेक्टर वाइज ड्यूटी लगी हुई है, इसी तरीके से हर घाट में सेक्टर वाइज ड्यूटी लगी हुई है। थाना क्षेत्र भी हमारा बीट में आवंटित है, बीट और हल्का में, और हल्के और बीट में रह के लोग शांति व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। इस कारण से ही आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर ऐसे उत्सवों में पार्टिसिपेट कर रही है। सर अभी एक स्रोतों द्वारा जानकारियां मिली कि पुलिस चप्पे चप्पे पे रात में भी देख रहे हैं, तमाम होटल बज रहे थे, लोग कह रहे थे कि भैया रात दिन प्रशासन एकदम चप्पे चप्पे पे एकदम निरंतर है। आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं सर, तो
आप अपने समय को सर कैसे दे पाते हैं, रेस्ट वगैरह कैसे आपने दिया? नहीं, इसी में सब रेस्ट का समय निकल आता है। माननीय प्रधानमंत्री तो हमारे यात्रा के समय सोते हैं, बाकी समय काम करते हैं, हम लोग तो उनके शागिर्द हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच में अम्बेडकर नगर के एसपी अजीत कुमार सिन्हा जी हमारे बीच में मौजूद थे, उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। प्रशासन किस प्रकार से श्रद्धालुओं के बीच में अपना पूरा समय दे रहा है, किस प्रकार से वो पॉजिटिव उनका रिस्पांस रहा है, अब बाकी चीज़ें का अपडेट हम देते रहेंगे चैनल के माध्यम से। तो बने रहेंगे जनपद अम्बेडकर से अमित श्रीवास्तव, पीयूष। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस समय श्रद्धालु गंगा स्नान करके अपने आप को कहीं ना कहीं से पवित्र करके अपनी आस्थाओं का केंद्र जो उनका है व्यक्तिगत रूप से अपनी आस्था का केंद्र चला रहे हैं। हम बात करते हैं जनपद अम्बेडकर नगर जिले के इस समय रामबाग नदी में जो काफ़ी चर्चित काफ़ी प्राचीन जगह है। हमारे बीच में एसडीएम आलापुर सौरभ शुक्ला जी हमारे बीच में है, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें हम आपको अवगत कराते हैं। सर, आपने अभी तक तमाम स्थल निरीक्षण किया है, भीड़ को लेकर क्या लग रहा है? भीड़ काफ़ी थी, सुबह काफ़ी थी और प्रभु की कृपा है और आप लोगों का सहयोग है। प्रशासनिक रूप से भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है कि सब जगह सब से संपन्न हो गया। चौड़ा घाट रामबाग रामबाग घाट है, कमरिया घाट है, चाड़ीपुर है, ये सारे जगह पर पर्याप्त है और ये पूर्णिमा का काफ़ी लोगों ने क्या अंदाजा है, कम से कम 50,000 लोगों से ज़्यादा लोग। भीड़ सर काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे काफ़ी जगह पे फोर व्हीलर गाड़ियाँ तमाम देखा जाए बैरिकेडिंग कर दी गई है सर, जैसे बिढ़ा पुल पे सूचना में वहाँ गाड़ियाँ बैरिकेडिंग की है, तमाम आवागमन रोक इस तरीके से कर दिया गया है कि ताकि सामंजस्य कार्य हो जाए सर। इसके पहले चौहड़ा में भी सर इसी सूचना मिली है, क्या कोई अलग तरह कोई अनियंत्रित या सर कोई घटना या कोई चीज़ नहीं ऐसी कोई घटना नहीं, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल कर दिया गया, बड़ी गाड़ियों को कंट्रोल कर दिया गया है, इस तरह की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, सब सकुशल संपन्न हो। विशेष सुविधाएं सर क्या क्या है? विशेष सुविधाएं ये है कि जैसे चौड़ा घाट पर हमने मोबाइल टॉयलेट भी लगा दिया है, पीने के पानी का टैंकर भी खड़ा है, इसके अलावा जो श्रद्धालुओं के लिए हर घाटों पर हमने नाव लगाई है कि अगर कभी कोई दुर्घटना हो तो अपना उस नाव से हम उसको बचा सकें, यही पूरी सुविधाएं इनको कराई गई। सर प्रशासन के साथ राजस्व टीम भी लगाई? हाँ, राजस्व टीम के हमारे कांगो लेखपाल हर जगह लगे हुए हैं, पुलिस की फोर्स तो लगी हुई है और हम खुद और हमारे नए तैयार तैयार सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई घटना न हो श्रद्धालुओं को किसी तरह। तो अभी आपने देखा कि एसडीएम आलापुर सौरभ शुक्ला जी ने बता दिया कि आलापुर सर्किल में विभिन्न घाटों पे प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है कि मोबाइल टॉयलेट से लेकर के भीड़ अनियंत्रित ना होने पाए, आवागमन भी बाधित ना होने पाए, इसके लिए प्रशासन भी लगा है, राजस्व टीम भी लगी हुई है, चप्पे चप्पे प्रशासन हर जगह मौजूद है। भीड़ देखा जाए श्रद्धालुओं में भी सकारात्मक रूप है, कहीं अभी तक कोई सूचना चैनल के माध्यम से जो अब तक सर्वे हुआ है कोई समस्याएँ अब तक नहीं मिली है, कोई भी निगेटिव चीज़ें सामने नहीं आई है। बाकी अभी इसके पहले क्या रिजल्ट रहता है शाम तक का पर्व का अपडेट हम देते रहेंगे बनेंगे चैनल साथ। तो अनवेश श्रीवास्तव, अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।